हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम जो बात करने लगे हैं ये प्राइज़ बॉन्ड्स के हवाले से एक इंतहाई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 40,000 वाले इनामी बॉन्ड के बारे में। आप लोगों में से कुछ लोग तो इस बात को जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 40,000 वाले प्राइज़ बॉन्ड के ऊपर कर दी है पाबंदी आयद। उसकी वजह यह है क्योंकि ये इतना बड़ा इनामी बॉन्ड है और इसके इवज़ जो रकम होती है उसके लिहाज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इतना बड़ा इनामी बॉन्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, हम आपको आज इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे जा रहे हैं वो आप पूरी वीडियो में लाजमी सुने। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि 25 जून 2019 से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बॉन्ड पर बैन लगा दिया था। उसके बाद बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो गए हैं कि हमारे जो प्राइस बॉन्ड घरों में पड़े हैं, लोगों के दराज़ों में मौजूद हैं, उनका अब क्या होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कैसी तजवीज़ लोगों के लिए लेकर आए हैं जो लोगों के लिए इंतहाई मुफीद आसान है, और इसके हवाले से ये भी हो जाएगा कि आपके तमाम तर पैसों की गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। आपने करना ये है कि ये जो भी बॉन्ड आपके पास मौजूद है 40,000 रुपये वाला, इसको आपने लेकर जाना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, या फिर इसके अलावा 5 से 6 बैंक जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताए हैं उसके अंदर मिज़ान बैंक, अस्करी बैंक और इसके अलावा एलाइड बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी शामिल हैं। इन तमाम तर बैंक और इनकी ब्रांचेस से आप ये प्राइस बॉन्ड पैसों की कीमत में वसूल कर सकते हैं। यानी कि प्राइस बॉन्ड को आपने इस बैंक में देना है और उसके बदले में वो करेंगे ये कि आपके प्राइस बॉन्ड की जो रकम है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। वो इस प्राइस बॉन्ड की रकम को आपको डायरेक्ट मनी की सूरत में नहीं दे सकते। अब तमाम तर लोगों ने करना यह है कि जिनके पास भी 40,000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड मौजूद है, उन्होंने इन बैंक की तमाम तर ब्रांचेस जो कि हम लोगों ने आपको अभी वीडियो के अंदर बताई हैं, उनकी तमाम तर ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच में जाकर जब आप ये अपना प्राइस बॉन्ड, या आपके पास अगर एक प्राइस बॉन्ड है या एक से ज़्यादा प्राइस बॉन्ड है, तो आप लोग इनको रजिस्टर करवाएंगे। जब आप लोग इन प्राइस बॉन्ड्स को रजिस्टर करवाएंगे तो उसके इवज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी ये कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये 40,000 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड के इवज़ तमाम तर पैसे को ट्रांसफ़र कर देगी। उसके अलावा जो लोग वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये प्राइस बॉन्ड को खाली रजिस्टर भी करवा सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप लोगों ने ये शो करवाना है कि आप लोगों के पास इतने पैसे के इवज़ ये प्राइस बॉन्ड मौजूद हैं। इससे होगा ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में जितने भी लोगों के पास 40,000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड मौजूद है वो सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ प्राइस बॉन्ड है, उसके अंदर कोई भी करप्शन का पैसा मुलविस नहीं है। तो लिहाजा अब आप लोग तमाम तर इन ब्रांचेस पर जाकर अपने प्राइस बॉन्ड को लाजमी रजिस्टर करवाएँ कि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर प्राइस बॉन्ड्स को बंद कर दे और आपका तमाम तर पैसा ज़ाया हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग मज़ीद प्राइस बॉन्ड्स और कैश के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेटिव मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।